ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। फिलहाल आज है 1 जुलाई, यानी कि बहुत दिनों के बाद जो है व्लॉग कर रहा हूँ, मोटो व्लॉग कर रहा हूँ स्पेशली। इतना लंबा गैप हो गया है कि छोटे छोटे बाल से बड़े बाल हो गए हैं एंड साल भी जो है आधा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया 2023, क्योंकि आज है जुलाई का पहला दिन। एनीवेज, सो आज का जो बाइक है वो है कावासाकी की ZH2SE, जो कि बहुत ही रेयर सुपर बाइक है एंड अपने कोलकाता में पहला यूनिट आ गया है, आज उसका डिलीवरी है, इसीलिए ये वीडियो है। तो वीडियो पे बने रहो एंड बाइक का जो क्लोज लुक है, क्लोज सिनेमैटिक्स है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ऑफ बीट सिनेमैटिक्स के जरिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, इतने दिनों के बाद व्लॉग कर रहा हूँ, वो भी अनाप शनाप। एनीवेज चलो जी निकलते हैं एंड ज़्यादा डिले नहीं करते, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 5:15, मेरे को बाई 5:30 to 5:45 स्पीड कावासाकी के शोरूम पे घुसना है, जो कि कावासाकी का वन एंड ओनली शोरूम है इन कोलकाता। चलो जी। बाय द वे, आप लोगों को शायद अभी मेरा चेहरा देख के अजीब लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है डाकू मंगल सिंह, बट ये पहनना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ दीज हेलमेट्स। हेलमेट भी क्लीन रहता है, आपको बालों को भी नुकसान नहीं होता है। एंड बाय द वे, अगर आपने नोटिस किया है, ये मेरे राइडिंग शूज़ है, नए राइडिंग शूज़, ये एक्चुअली सोलेस के राइडिंग शूज़ है एंड लुक्स रियली अमेजिंग। एंड ये जो है पूरा ट्रैक स्पेक वाला एक हेलमेट पहन के बात करते हैं, क्योंकि ऐसे बात करने से आपको भी अजीब लग रहा है एंड मुझे भी अजीब लग रहा है, मच बेटर। एनीवेज, जो मैं कह रहा था, ये जो राइडिंग बूट्स है, ये एक्चुअली फुल्ली रेस स्पेक वाला राइडिंग बूट्स है। थोड़ा सा ये गंदा है बिकॉज इसको मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है एंड अपने कोलकाता में तो बारिश की कोई कमी नहीं है, सो इसीलिए थोड़ा सा गंदा है। कहते हैं राइडिंग शू में जितनी ज़्यादा गंदगी उतना अच्छा, मतलब कि आपने इसको अच्छी तरह यूज़ किया है, इसीलिए जितना ज़्यादा दाग उतना अच्छा। एंड किसी एक एडवर्टाइजमेंट में ये भी कहते हैं दाग अच्छे हैं, और आपको पता है वो एडवर्टाइजमेंट क्या है, मेरे को कमेंट्स पे बोलना। चलो जी फिलहाल निकलते हैं। ग्लव्स रहा, ये चाबी बाइक की, एंड निकलते हैं बिकॉज हम सुपर लेट यार, हर बार की तरह। बट चलो कोई ना, ऑफिस ख़त्म करके जाना पड़ रहा ना, इसलिए थोड़ा लेट तो चलता है। याद भाई अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी है, यूजुअली थोड़ी यहाँ पे खड़ी रहती थी, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, जी हाँ अपने घर पर गाड़ी आने वाली है, उसका बुकिंग भी डन हो गया है। अगर आपने वो बुकिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, देख लेना। एंड इसी के चलते ये गैराज पे सभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हो रहा है, तैयार हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे अपनी गाड़ी भी रहेगी, बाइक भी रहेगी, और आने वाले टाइम पे जो और नए नए बाइक ऐड होते जाएंगे वो भी रहेंगे यहीं पे। सो या सो हाँ, यही बात है। फिलहाल अभी निकलते हैं फटाफट एंड मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे बाकी बातें करते हैं। चलो जी, जय भोलेनाथ। एंड ये छोटे छोटे जो कुत्तों के बच्चे आपने देखा, ये हमारे ही घर के पास जो है एक माँ कुत्ते ने जन्म दिया है एंड बहुत ही प्यारे हैं, दो टाइम हमारे यहाँ पे खाना खाते हैं एंड बेली के साथ इन बच्चों का बड़ा दोस्ती हो गया है बाय द वे। एनीवेज बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, किसी दिन टाइम मिला तो ज़रूर से मिलवाएंगे, आज थोड़ा जल्दबाजी में है इसीलिए निकलना पड़ रहा है। क्या खूबसूरत काले काले बादल, बस बारिश ना हो जाए, क्योंकि यार शूट ख़त्म करने के बाद हमारे बैंड का सेलिब्रेशन होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बैंड का एनिवर्सरी है, इस कारण से पूरा प्लान चौपट हो सकता है। एनीवेज मैंने, अगर आपको हैरानी हो रही है कि कौन सा बैंड, किस चीज़ का बैंड, अगर आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा तो बता दूं कि हाँ मेरा एक खुद का बैंड है, नॉट मेरा अकेले का, हम सबका एक खुद का बैंड है। कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं ना, इसलिए क्लैरिफाई करना हर चीज़ पर ज़रूरी है। तो बेसिकली हम सबसे मेरा मतलब है, मैं, बासु, दीपेश, शौनदीप, हम सबका एक खुद का बैंड है, म्यूज़िक बैंड। एंड हमारे इस म्यूज़िक बैंड का जो जॉनर है वो है पंक रॉक। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक इट आउट, आप चेक कीजिए गाना
आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। एंड अननेसेसरी मेरा फ़ोन जो है नोटिफिकेशन दिए जा रहा है कि यू आर लेट फॉर द शूट। एंड जो लोग भी ये वाला स्ट्रेच पे बाइक चलाते हो, बड़ा संभाल के बाइक चलाना, क्योंकि यहाँ पे देखो सामने जो है पूरा फील्डिंग लगा हुआ है, कभी भी आप पकड़े जा सकते हो। तो हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर ही बाइक चलाना। या एंड रेड सिग्नल 2000 years later. Okay, so यही है वो बाइक जिसका अभी डिलीवरी होने वाला है। एंड अभी ये पर्दे में है, ओनर आते ही ये पर्दे से बाहर हो जाएगी, उसके बाद आपको बाइक जो है वो दिखाएंगे विद सिनेमैटिक्स। फिलहाल अभी फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 6:30 के करीब। एंड मैंने को लगा था कि मैं ही शायद लेट हूँ बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे आके मेरे को पता चलता है कि सिर्फ मैं लेट नहीं हूँ। खड़ा होके लीजिए बैठ नहीं सकते भैया, कंपनी का बाइक है, खड़ा होके लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये भैया फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर मुझसे परमिशन ले रहे हैं, उन्हें लगा मैं कहाँ सके करता हूँ ऐसा नहीं। एनी वेज तो जो भी मैं कह रहा था, कल से निकलते वक्त मेरे को लग रहा था कि शायद मैं ही सबसे ज़्यादा लेट हूँ, बट यहाँ पे आके पता चलता है जो ओनर है वो मुझसे भी ज़्यादा लेट है। आई एम ऑन द सेम साइड दोस्तों। यहाँ पे आकर मेरे को पता चलता है कि ओनर भी लेट है। सो एनी वेज अभी 6:35 के करीब का टाइम है। अनवीलिंग का शूट करने के बाद, उसके बाद बाइक डिलीवरी का शूट कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे बैंड से मीट करने, बैंड के साथ मीट करेंगे और 6th एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन है वो एक साथ करेंगे आपको लेके। तो हाँ, रहिए वीडियो पे, वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, स्पेशली सिनेमैटिक तो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। वीडियोग्राफर को ही दे दो जो मेरे को चाहिए वो बना दे रहा है। ओके, सो बाइक का डिलीवरी हो गया है जैसे कि आप लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को जो है सिनेमैटिक शॉट्स जो है अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा देन यू नो द ड्रिल, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। साथ ही साथ अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, डोंट वरी, अभी आपको मेरे बैंड मेंबर्स से भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। Guess what? सामने लंबोगनी हुरिकेन जा रही है, हुरिकेन कॉजिंग द हरिकेन। अरे भाई लोग पे लोग फोन कर रहे हैं जब मैं बाइक चला रहा हूँ। हाय 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 हाय, खूबसूरती देखो, बड़ी प्यारी गाड़ी है भाई, शाबाश। हम लोग
जिएंगे हजारों साल। ये दुआ किसके लिए? ए दादा का केक नहीं है दादा, केक का नहीं दादा। एक टू एशो काट देगी क्रम कोड पर एक्शन दे काट काट सब एक्शन हाथ दे कर भाई धक सुन लो धोड़ो वही देखा जाए हैप्पी बर्थडे चाचा ने टैग किया बंदे का गान ये है दीपेश हमारे बैंड का स्पॉट बॉय। ओके ओके तेरा नाम क्या भूल रहा हूँ मैं सौरभ। दिस इज अंकन अंकुन जय बोलो एकी वेपन हमारे बैंड का बेसिस्ट यक्ष है बासु लीड गिटारिस्ट ने बैंड का वोकलिस्ट छोटा सा एक प्यारा सा एक ब्लॉग था आप लोगों के लिए। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया देन लाइक करना कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे देन जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे नीचे लाल का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा वो सब्सक्राइब बटन भी दबाना है और साथ ही साथ उसके राइट साइड पे जो बेल आइकन है उसको भी दबाना है ताकि अगला जो ब्लॉग मैं अपलोड करूँ वो आपके फोन में नोटिफिकेशन अलग से पहुंच जाए। चलो जी मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। कुछ ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। बाय।